हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। इंडियन नेवी ने सेलर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 400 वैकेंसियाँ जो हैं मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए अप्रैल 2020 बैच के अंडर अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स डिक्लेयर कर दी हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके यहाँ पे कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी 10th में कोई भी मिनिमम परसेंटेज इन्होंने नहीं मांगी है इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे 10th पास है उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है। अगर वो इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका आपको यहाँ पे इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या आपका यहाँ पे जो इंडियन नेवी ने सेलर के लिए अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसियाँ निकाली हैं उसका आपका एज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और यहाँ पे क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक फिल होना शुरू होंगे, कैसे उसको फिलअप करेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपकी जो कंप्लीट वैकेंसी रहेगी इसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक हम इस वीडियो में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं जो इंडियन नेवी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर की है। अभी अभी ये इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है, इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहां पे अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज अ सेलर मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए अप्रैल 2020 बैच के अंडर। तो यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसमें आपकी टोटल 400 वैकेंसियां अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया गया है, यानी इससे वैकेंसियां आपकी इंक्रीज में फ्रेंड्स कर सकती हैं। तो चलिए अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप इसके जो क्राइटेरिया रहेगा वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यहां पे आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन आपके यहां पे इन्होंने बोला हुआ कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि आपके यहां पे 10वीं पास होनी चाहिए, कोई भी मिनिमम परसेंटेज आपकी 10वीं में इन्होंने नहीं मांगी है। और यहां पे जॉब स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, जब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंडर हो जाएगी मैट्रिक रिक्रूटमेंट के अंडर अप्रैल 2020 बैच के अंडर, उसमें आपका क्या काम रहेगा। तो चीफ का आप यहां पे देख सकते हैं, स्टीवर्ड का देख सकते हैं और हाइजीनिस्ट का भी यहां पे आप देख सकते हैं। तो चीफ का आप यहां पे देख सकते हैं, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेनू बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। चीफ का यहां पे काम रहेगा उनको खाना बनाना है, जो भी उनका मेनू रहेगा और जो अदर आपकी सर्विसेज रहेंगी वो आपको बता दी जाएंगी जब आपकी फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन इसके अंडर हो जाएगी। उसके बाद आप स्टीवर्ड का काम देख सकते हैं, इसमें यहां पे जो खाना चीफ ने बनाया होगा उसको यहां पे सर्व करना है ऑफिसर्स की मेस में, तो स्टीवर्ड का ये काम रहेगा। हाइजीनिस्ट का यहां पे काम रहेगा वॉशरूम को उन्होंने क्लीन करना है, शॉवर स्पेसेस और जो अदर एरियाज रहेंगे वो यहां पे हाइजीनिस्ट का फ्रेंड्स काम रहेगा। तो यहां पे जॉब स्पेसिफिकेशन आप यहां पे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, डिस्कस भी हमने यहां पे अच्छे तरीके से कर लिया और एक्स्ट्रा जो आपको सर्विसेज या फिर ड्यूटीज जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो आपको दी जाएंगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां पे देख सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 अप्रैल 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन्हीं दोनों डेट्स के बीच में फॉल करना चाहिए और ये दोनों डेट्स आपकी इंक्लूसिव रहेंगी। अगर आपका 1 अप्रैल 2000 है तो भी आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपका पे एंड अलाउंसेस जो प्रमोशन रहेंगे ये आप यहां पे पढ़ लेंगे कि आपको पर मंथ कितनी पे मिलेगी, कितना स्टाइफन मिलेगा, ये आपके अलाउंसेस जो है वो रहेंगे। तो इसमें आपका एजुकेशन का और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां पे अच्छे तरीके से देख लेंगे कि आप इसमें फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका पेपर कंडक्ट होगा, जितने भी क्वेश्चन इसके आपके रहेंगे वो आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होंगे, आपको वहां पे अपने माउस के थ्रू वहां पे रिस्पॉन्स देना है और सेपरेट शीट रफ करने के लिए आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद जब आप सीबीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जिसका आपका जो मेरिट लिस्ट उसकी
अच्छे तरीके से बनेगी वो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ उसका रहेगा, सेपरेटली स्टेट वाइज जो आपका कट ऑफ डिक्लेयर होगा सीबीटी के लिए, और जो स्टूडेंट्स उस कट ऑफ में फॉल कर लेते हैं अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट से, उनको यहाँ पे फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। फिजिकली फिटनेस में टेस्ट में आपका क्या होगा वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पीएफटी को भी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे फिटनेस टेस्ट होगा जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर होगा, जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, मिनिमम हाइट वेट चेस्ट आपका कितना होना चाहिए और आपकी आई का विजन का या फिर आपको कोई इंजरी तो नहीं है, वो आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर फ्रेंड्स चेक होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा, यानी कि 50 नंबर का आपका जो पेपर है सीबीटी वो कंडक्ट होगा, और आपका जो पेपर रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा होगा और उसके जो आपके ऑप्शंस रहेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप फ्रेंड्स रहेंगे। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका जो सीबीटी कंडक्ट होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके टोटल दो सेक्शन रहेंगे जिसमें आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स एक, और उसके बाद आपका जनरल नॉलेज। साइंस और मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका अप टू 10th लेवल का रहेगा, यानी कि 10th लेवल में जो आपने साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है वो आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस उसके अंडर आपके रहेंगे, और जो सेकंड सेक्शन आपकी रहेगी जनरल नॉलेज की वो आपकी जर्नल यानी कि जो आपके करंट अफेयर डेली बेसिस पे रहते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपका जर्नल नॉलेज रहता है हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया की हिस्ट्री, नाइबरिंग कंट्रीज की हिस्ट्री, उससे रिलेटेड आपको सेकंड सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और जो आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा इसमें आपको टोटल 30 मिनट्स आधा घंटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा 50 क्वेश्चन को करने के लिए, और आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो यहाँ पे रहेगी 0.25, यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो उसकी आपको पेनल्टी 0.25 पड़ेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। तो फिजिकली फिटनेस टेस्ट में आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी फिजिकली फिटनेस टेस्ट में आपकी होगी रनिंग। तो आपका जो फिजिकली फिटनेस टेस्ट रहेगा इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं रहेंगे, इसको आपने जस्ट क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकली फिटनेस टेस्ट में आपकी 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको वहाँ पे रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर अंदर, 7 मिनट के ऊपर आपका टाइम नहीं होना चाहिए, 7 मिनट के अंदर अंदर आपको 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर एंड 1600 मीटर आपको यहाँ पे रनिंग करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 20 स्क्वाड्स आप यानी कि उठक बैठक आपके रनिंग के बाद होंगे, और उसके बाद आपको 10 पुशअप्स फ्रेंड्स यहाँ पे करनी है। और जो आप यहाँ पे फिजिकली फिटनेस टेस्ट देंगे ये आप अपने रिस्क में देंगे, अगर आपको कोई इंजरी होगी तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसमें नेवी का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं रहेगी। तो फिजिकली फिटनेस टेस्ट में रनिंग, उठक बैठक और 10 पुशअप्स आपके क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए करने ही करने हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएफटी में भी क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो चेक होंगे, यानी कि आपकी जो मिनिमम हाइट है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो आपकी 157 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए, और हाइट के अकॉर्डिंग आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट एंड चेस्ट भी होना चाहिए। चेस्ट की यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक बार आपकी चेस्ट ऐसे नापी जाएगी और आपको एक बार वहाँ पे एक्सपेंड करनी, और एक्सपेंड करके आपकी 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होनी चाहिए, और वेट आपका हाइट और जिस हिसाब का आपकी एज है उसके बेसिस पे आपका वेट जो है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक होगा वो आपका चेक होगा, यहाँ पे आप विजन स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को आईसाइट की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया देख सकते हैं, चीफ स्टैंडर्ड और हाइजीनिस्ट के लिए सबके लिए यहाँ पे सेम रहेगा, विदाउट ग्लासेस एंड विद ग्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा पीएफटी के बाद, जो कि आपको वो तय कर लेगा कि आप प्रोविजनली फिट हो चुके हैं फिटनेस टेस्ट के अंडर। तो जो स्टूडेंट्स प्रोविजनल फिटनेस टेस्ट जो आपका प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि आपका INS चिल्का में कंडक्ट होगा उसमें आपको वहां पे शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, जब आपका प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन में आप फिट हो जाते हो, और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि आपका INS चिल्का में कंडक्ट होगा उसमें भी आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो फाइनल सिलेक्शन आपकी यहां पे मैट्रिक रिक्रूटमेंट के अंडर फ्रेंड्स हो जाएगी।
तो बहुत ही इजी का प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे सीबीटी आपका 50 नंबर का, उसके बाद पीएफटी भी आपका इजी है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। अगर आपने 10th की हुई है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंडेक्स के बीच में फॉल कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज अ सेलर मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए। तो फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन को फाइनल को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी 21 फरवरी 2020 को। आप देख सकते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में जैसे इसके नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट आएंगे वो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से लेके कब तक फिल होना शुरू होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2019 से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे और 1 अगस्त 2019 को इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बड़ी कम ड्यूरेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट प्रोसेस समझ लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस की हुई है। और जो आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं, आपका जो एग्जाम है सितंबर में उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और अक्टूबर तक आपका जो एग्जामिनेशन है सीबीटी टाइप वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। अगर आप उस कट ऑफ में फॉल कर जाते हैं, उसके बाद आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट जो वो कंडक्ट होगा और नेक्स्ट प्रोसेस फाइनल सिलेक्शन तक क्या रहेगी वो हमने इस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होते हैं 26 जुलाई 2019 को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट फोन से ही कैसे फिलअप करना है, फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करके फोन से ही कैसे अपलोड करना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको भी कैसे फोन से अच्छे तरीके से रिसर्च करके अपलोड करना है। कंप्लीट फॉर्म शुरू से लेके लास्ट तक फोन से कैसे फिलअप करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान दें कि इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यानी कि SC और ST, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे फ्री रहेगा इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। लेकिन जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पे 205 रुपीज इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फीस पे करेंगे तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जनरल वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अपनी यहाँ पे फीस जो है वो पे नहीं करते हैं, SC ST कैटेगरी वालों को यहाँ पे फ्री रहेगा इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जैसे इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट होता है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इंडियन नेवी ने जो सेलर के लिए 400 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिक्लेयर की हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।